दीगर मौजूद से तोबा करें और बारात का इजहार करें और वो सारे मौजुआत आपके सामने हम पढ़ के सुनाएंगे लेकिन जो सबसे अहम मौजू है वो ये कि पाकिस्तान में जो महबी शिद्दत पसंदी है इसको बाज़ दीनदार हल्के पसंद करते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा मजहबी है और आइंदा और मुस्बिल पाकिस्तान का और बेहतर होगा लेकिन ये उनकी ग़लत फहमी है जितनी शिदत से किसी चीज़ को बॉल को मिसाल के तौर पर दीवार पर मारा जाता है उतनी शिद्दत से वापस आती है लिहाजा जितनी शिद्दत से ये मजहबी काम अंजाम दिए जा रहे हैं इतनी ही शिद्दत से लोग दीन से दूर होंगे और यही वजह है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से लोग दीन से दूर हो रहे हैं अब ये और बात है कि सोशल कॉन्टेक्ट की वजह से और बास दीगर मौजूद की वजह से वो उन बातों का इजहार नहीं कर पा रहे हैं लिहाज़ा जो कुछ डॉक्टर शेर अली के साथ हुआ उस पर फ़त हम बयान देना नहीं चाहते और यही वजह है कि कुछ हमें देर भी हुई और एक वजह और ये थी कि हमें ये इल्म है कि पाकिस्तानियों की याददाश्त ख़राब है और आज जितने लोग मजम्मत कर रहे हैं तीन चार महीने बाद इस वाक़े को भुला दिया जाएगा और मुमकिन है कि डॉक्टर शेर अली की जान को भी मज़ीद ख़तरा हो और फिर थोड़े दिन एक शोर होगा और उसके बाद भुला दिया जाएगा लिहाजा हम ये चाहते थे कि कुछ अर्से बाद बात करें और तफसील से बात करें और इमी मौजूद के साथ बात करें ताकि सुनने वालों को इलमी फ़ायदा भी हो सबसे पहले हमें तोज्जो दिलाएँ कि आम तौर पर वो हज़रा के जो इस्लाम के ख़िलाफ़ गुफगू करते हैं उनके दलाइल भी बाज़ दफ़ा महकम नहीं होते इसी तरह से बाज़ वो लोग के जो इस्लाम की जानब से गुफ्तू कर रहे होते हैं उनके दलाइल भी महकम नहीं होते सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखना चाहिए कि चाहे डार्मनज़्म हो और चाहे क्वांटम फिज़िक्स हो इस मौजू पर वही बात करें कि जिनकी ये फील्ड हो पाकिस्तान में इन मौजूद को डिस्कस कर रहे हैं बाज़ वो लोग कि जो अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर करार दे रहे हैं जबकि देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मोटिवेट हो मगर ये कि वो देवबंदी और जमात के लोगों के नुमाइंदा बनकर माहौल को ख़राब कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ अफराद हैं कि जिनका हमेशा टॉपिक रहता है वारोनज़म के बारे में और इसी तरह से क्वांटम फिज़िक्स के बारे में और इलाहात के बारे में और दर हकीकत यूनिवर्सिटी वगैरह में वो एक माहौल बना रहे हैं कि कोई भी आज़ादी के साथ गुफ्तू ना कर सके ये बात जान लें कि जिस तरह से पाकिस्तान में इन मौजूद को दबाया जा रहा है और इसी तरह से बाज़ वो अफराद के जिनके बारे में हमने तोज्जो दिलाई और नाम लेना नहीं चाहते कि अपने आप को मोटिवेशन इस्पीकर कहते हैं वो दरहकीक़त वो बातें कर रहे हैं कि जो यूरोप अमेरिका में आज से तीस चालीस साल पहले लोग लिख चुके हैं लेकिन उनकी बातों में इतना दम नहीं था और ना वो उस फील्ड के थे और ना ये इस फील्ड के हैं लिहाजा इन मौजूद में वो बात करें कि जो दोनों इस फील्ड की एक अथॉरिटी हों इन साहब को भी अगर कुछ लिखना है तो इनसे गुजारिश है कि यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े महिक़िन के सामने नज़रियात को बयान करें इसी तरह से इनसे कोई बहस करने आए तो वो भी कम से कम जेनेटिक्स पर पीएचडी किए हुए हो अब इन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कभी जमात के लोगों ने मिशाल ख़ान को मार दिया अब हम मिसाल औरों की नहीं दे रहे कि क्या हुआ आसिया बीबी के साथ और इसी तरह से मसीहियों के साथ क्या हुआ कि शमा बीबी शहज़ाद मसीह एक जोड़े को ज़िंदा भट्टे में डाल दिया गया हम एक यूनिवर्सिटी की मिसाल देते हैं कि जमात वालों ने जमयियत वालों ने मशाल ख़ान को मार दिया जब उसके बाद बातों का जवाब नहीं दे सके यही सब कुछ काम किया गया प्रोफेसर शेर अली के साथ कि कभी बम धमाके में उनको मारने की कोशिश की गई 2022 में और उनकी एक टांग मजरू हुई तो अब ये वाला काम हुआ तो ये माहौल बना रहे हैं बाज़ सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर्स तो अब हम तवज्जो दिलाएं कि इससे कोई मसला हल नहीं होगा अब अगर आपसे कोई आके बात नहीं करता तो ये ना समझें कि लोग आपके मुक़ाबले में नहीं आ सकते ख़ुद हमारे जान पहचान के एक दो अफराद हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं जेनेटिक्स के माहिर हैं डॉक्ट्रेट की हुआ है और वो इस मौजू पर बात भी करना चाहते हैं लेकिन वो दो वजूहत के बिना पर नहीं कर पाते जिनमें से एक ये कि वो सुन्नी से शिया हुए हैं और पहले ही उनके इलाक़े में उनको जाना जाता है और दूसरा ये कि जब वो आकर गुफ्तु करेंगे मिसाल के तौर पर डॉबनज़म के बारे में तो ये जमीयत वाले और सो कॉल मोटिवेशन स्पीकर उनकी जान को ख़तरे में डाल देंगे लिहाजा पाकिस्तान में अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो ख़तरे की वजह से नहीं कर रहा है अब हम ये बताते चलें कि कुरान पर भी जो बाज़ा एतराज किए जाते हैं वो बेजा एतराज़ हैं मिसाल के तौर पर जब गुफ्तु की जाती है आम दुनिया में भी हती जो एस्ट्रोनॉमी के बड़े इदारे हैं वो भी जब गुफ्तु करते हैं तो मिसाल के तौर पर कहते हैं कि न्यूयॉर्क में इतने बजे सनराइज़ है और इतने बजे सनसेट है कराची में इतने बजे सन है इतने बजे सनसेट है तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि न्यूयॉर्क आज इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूरज के सामने आ जाएगा और इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूरज के सामने से हट जाएगा यानी सन हो जाएगा तो लिहाजा बज़ दफ़ा सनराइज़ या सन जिसकी कोई हकीक़त नहीं है लेकिन अगर इसका जिक्र जो है वो क़ुरान में हो इसी तरह से अगर बाज़ एस्ट्रोनॉमी की वेबसाइट इसको डिस्कस करें तो कहा जाता है कि यह उर्फ़ी ज़बान है तो ये भी जहन में रहे कि बाज दफ़ा एतराज़ जब दीन पे किए जाते हैं तो वो इंतहाई माकूल कस्म के होते हैं जिसकी हमने मिसाल दी कि जो एस्ट्रोनॉमी की हत्या बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े इदारे हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी सनराइज़ और सनसेट कहते हैं या मिसाल के तौर पर बर्थ ऑफ़ मून तो उससे ख़तन ही मुराद नहीं होती कहा जाए कि ये लोग बिल्कुल दीन से दू ये लोग बिल्कुल जाहिल लोग हैं क्योंकि चांद तो पैदा होता नहीं है तो यहाँ पर मुराद ये नहीं होती उससे मुराद होती है कि कब इसकी विजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है इस इलाके में नकेट आई के ज़रिए से या किसी भी एकमेंट के ज़रिए से तो ये ज़हन में रहे कि कुरान में बज़ दफ़ा साइंसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई है वही उर्फ़ी ज़बान इस्तेमाल की गई है कि जो हती एस्ट्रोन भी यूज़ करते हैं डॉक्टर शेर अली ने क्योंकि ख़ुतियों के हकूक़ की बात की इसी तरह से ये बाज़ मौजूद को पढ़ा रहे थे जिसमें बच्चे ज़मीन पर बैठ के इनके लैक्चर्स को सुन रहे हैं इन बच्चों को हम मुखातब करके कहते हैं कि जब तक इन मुलाओं की गर्दी को आप ख़त्म नहीं करेंगे जिनमें से जो पहला कदम होगा वो ये कि माह रमज़ान आने वाले हैं ईद आने वाली है तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके इलाक़े में विज़बलिटी ऑफ मून पॉसिबल है या नहीं है किसी मौलवी मुला के चक्कर में ना पढ़ें अगर आपको यकीन हो रहा है एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए से कि आपके इलाक़े में चांद को देखा ही नहीं जा सकता तो फिर किसी भी मौलवी या मुल्ला की बात में ना आएं और इतफ़ाक़ से हमारे उल्मा और बुज़ुर्गों का फतवा यही है कि अगर आपको यकीन है तो अपने यकीन पर अमल करें किसी की बात के ऊपर आप अमल ना करें अलबत् यकीन कब कि जब आपको इलमी तरीक़े से हो और आप मौजुआत से आशना हों जवाब न देने पर कत्लेम का सिलसिला बहुत पुराना है अब आपके सामने मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पर हिपासूस को दरिया में ज़िंदा डाल दिया था फीसा गौरस के स्कूल ऑफ थाट वालों ने वजह क्या थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इज़ एन इशनल नंबर अब ये लोग कहते थे कि इरेशनल नंबर का जो मौजू निकाला है पसूस ने इसने नंबरों के ख़ुदा की तोहन की है दूसरी जानब हम देखते हैं कि सोलह सौ सो में ज़िंदा जला दिया गया जुडानो ब्रोनों को और वजह क्या थी कि पोप और उसके तरफदार ये कहते थे वेटिकन वाले कि कायन का या सोलर सिस्टम का जो मरक़ है वो ज़मीन है जबकि जुरानो ब्रोनो ये कहते थे कि ज़मीन नहीं है और साथ में वो कहते थे कि जो बात बातारे नज़र आ रहे हैं ये सूरज हैं और इनके भी सैारे हैं और इनमें मखलूक़ातें भी हो सकती हैं लिहाज़ा इस जुर्म में इनको जला दिया गया लेकिन आज भी मुजस्मा उनका मौजूद है कि जो वेटिकन की जानब इशारा कर रहा है मज़ाक में कह सकते हैं कि ज़बान चढ़ा रहा है कि तुमने मुझे जला दिया लेकिन आज दुनिया को पता चल गया कि सोलर सिस्टम में ज़मीन मरकज़ नहीं है बल्कि सूरज मरकज़ है इनके जलाने का हुक्म दिया था पोप क्लामेट एट ने और ये फिफ्टीन टू से सिक्सटीन हंड्रेड एंड फाइव तक रहे बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रोफ़ेसर शेर अली का भी ट्रायल हुआ है और ये मुख्तफ़ कस्म के पादरी नुमा जाहिल कस्म के अफराद खड़े हैं कि जिनको किसी कस्म का कोई भी इल्म नहीं है सिक्सटीन थर्टी थ्री में गैलीलो का जो है वो ट्रायल हुआ और इस ट्रायल की असल वजह यह थी कि गैलीलो ये कहते थे कि ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के गिरद अब इनको बहुत डराया गया धमकाया गया और बाद में जो काम किया है प्रोफ़ेसर शेर अली ने पाकिस्तान में यही काम और आज से पूरे तीन साल पहले यानी सोलह सो में गलीलो ने वही काम किया कि जो प्रोफ़ेसर शेर अली ने किया यानी कहा कि जो मेरे नज़रियात हैं वो बिल्कुल ग़लत हैं और ज़मीन नहीं घूमती बल्कि ज़मीन साकििन है और सूरज मरकज जो इनके लिए जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किए थे वो पोप अर्बन एट था 1623 से 1644 तक अब ये और बात है कि नवंबर फर्स्ट 1992 नाइन्टी में पोप जॉन पॉल दोवम ने माजरत ख्वाही की कि जो कुछ गैलीलो के साथ हुआ है वो ग़लत हुआ था अब आपके सामने वो इकरार नामा है कि जो पढ़वाया गया इन जाहिल मौलवियों ने प्रोफेसर शेर अली साहब से कि शुरू में इनका नाम है नंबर एक मैं इस बात का अखरार और तस्दीक करता हूँ कि अल्लाह ताली वैदुल शरीक ज़ात है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल और आखिरी नबी अम्बिया हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शक्ल सूरत में नया नबी व पैगम्बर पैदा नहीं होगा नंबर दो अल्लाह ताली की तरफ से तमाम अकायद व अमाल जो कि नबी करीम अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं मैं इन तमाम को अहल सुनत वजमात मसल केमाय देवबंद की तशरीहात के मुताबिक दौलोजान से बग़ैर किसी शक व शुबे के तस्लीम करता हूँ तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा मसल के देवबंद क्यों अगर ये इस दिन पढ़ देते मसल के बरेलवी या अल हदीस या शी तो फिर क्या होता है इनके साथ लेकिन हम आगे बताएँगे कि अगर ये पावर आ जाती बरेलवियों की तो बरेलवियों के जो पेशवा थे कि जो इलमी अदबार से अब हम नहीं कहते कि वो क्या उनकी हैसियत थी लेकिन कहा जा सकता है कि साइंसी अदबार से उनकी जो मालूम होगी तीसरी चौथी के आज के बच्चे के बराबर भी नहीं है उन्होंने तो साबित करने की कोशिश की है कि ज़मीन हरकत ही नहीं करती तो अगर ये बरेलवी की पावर हो जाए तो फिर वो ज़मीन की गर्दश पर भी लोगों को मार सकते हैं तीसरा जो मौजू है वो है ती, नंबर तीन क्या ज़रूरत के वक्त घर से निकलने के दौरान औरत के लिए सर से लेकर पाँव तक चेहरे समेत का पर्दे का पर्दे में शरी पर्दा समझता हूँ अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि वो उल्मा के जो चेहरे को छुपाना वाजिब नहीं समझते तो क्या वो दीन से ख़ारिज हैं हत्या जो देवबंद के भी हैं नंबर चार चूँकि शरीय अलाइया के रूह से सन्फ़ औरत की अक़ल सन्फ़ मर्द की बनस्बत का मैं लिहाजा इसी को हक़ और हरफ आखिर समझता हूँ अब यहाँ पर भी बड़ी अजीब बात है कि पूरी ख़वान को जो है वो बिल्कुल डिग्रेड करने की कोशिश की गई है और नंबर पाँच ज़ना बिलजब्र ज़नाबिल रज़ा को शरअन हराम समझता हूँ यहाँ पर बेहतर होता कि ये भी कह देते कि लबात को भी ग़लत समझता हूँ और ये भी शर्त होती किसी मदरसे में हो तो पब्लिक को हक़ होगा कि उस मदरसे को भी मिसमार कर दें इसको हलाल समझने वाला ख़ारिज़ाज इस्लाम है इसी तरह हर कस्म के सैक्स की आज़ादी को शर्न हराम समझता हूँ हाँ इन्होंने फिर हम ज़िक्र करें कि जो मदरसों का हाल है उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया अजनबी औरत का मर्दों के साथ अख्लात ज़रूरत के बगैर जायज़ नहीं है इसी को मैं हक़ समझता हूँ लेकिन इनके बड़े जो हैं वो सियासी जल्ज़ों में ख़वातीन के साथ भी बैठ सकते हैं और उनके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं होगा नंबर सात शरीयत इलाही के ख़िलाफ़ जितनी भी साइंसी व अकली अफकार और नज़रियात हैं इन तमाम को मैं बातिल समझता हूँ मसलन डार्विन का नजरिया इरत वग़ैरह वगैरह ये जो बहस आई ये इन्हीं मोटिवेशन स्पीकर के ज़रिए से आई जो देवबंद और जमात इस्लामी के नुमाइंदे बनकर इस वक्त यूनिवर्सिटियों का माहौल ख़राब कर रहे हैं जबकि उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिससे वो मोटिवेट कर सकें मगर ये कि वो इसी कस्म के मौजूद से लोगों को मज़बी बनाना चाह रहे हैं अब यहाँ पर एक बात हम वाजे करते चलें कि थ्योरी ऑफ़ एवोल्यूशन या डावनिज़म की नाम हम हिमायत कर रहे हैं ना मुखालफ कर रहे हैं हाँ एक इम्कान है कि वो आयात के जिनमें जानदारों की खिलकत के बारे में ये कि मट्टी से यानि तीन से या तुराब से यानि गारे से और पानी से खिलकत हुई तो इम्कान है कि इस दौरान ये मरला गुजरा हो गो कि हम ना नफ़ी कर रहे हैं ना इस बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि कुरान मजीद में ज़मीन और आसमान की ख़िलकत छः दिन में हुई इन छः दिन से क्या मुराद है और ये दिन कितने कितने बड़े थे इस दौरान क्या क्या हुआ क्या रद्द बदल हुए इस ज़मीन पर तो वो एक इजमाली बात क़ुरान मजीद ने की है लेकिन इस कस्म के नज़रियात को बेशक इंसान ना माने यानी थ्योरी ऑफ डॉनज़म को और थ्योरी ऑफ़ एवोल्यूशन को या डारनम को बेशक ना माने लेकिन मुकाबले का तरीक़ा तरीक़ा होना चाहिए ये तरीक़ा नहीं है कि किसी को कत्ल किया जाए बम धमाके किए जाएँ फिर तोबा करवाई जाए अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान पाकिस्तानी एतबार से बहुत पीछे चला जाएगा हर नज़रिए का जवाब इलमी होना चाहिए ना ये कि बेदलील तरीक़े से डरा कर धमका कर किसी नज़रिए इनकार करवाया जाए नंबर आठ अब तक मस्कूर बाला अमूर के ख़िलाफ़ मैंने जितनी बातें की हैं यानी डोमेल सेमिनार लेक्चरों और सोशल मीडिया पर पोस्टों और कमेंटों और दीगर मजालस में इन तमाम से मैं बारात का ऐलान व तोबा करता हूँ अब यह जहन में रखें कि सोशल मीडिया पर पोस्टों और कमेंटों वाला जो मौजू है ये इन्हीं मौसू ने उठाया है जो अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं और इलाहात का मुखालिफ कहते हैं जबकि यही साहब हमें पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोगों के मुल्त बनने का सबब बनेंगे क्योंकि ये दरअीक़त बड़ी शिद्दत फैला रहे हैं अभी और बात है कि ये बात तो करते हैं बहुत ही मॉडर्न बन के लेकिन ये आई एस आई एस और तालिबान और सारे दहशत गर्दों के सफ़े अवल के तरफदार हैं अगर कहा जाता है तो कहते हैं कि हाँ जी इन्होंने एक गलत काम कर दिया था और उसके बाद मुकम्मल मजम्मत करने के ये अहल बिल्कुल भी नहीं है नंबर नौ आइंदा के लिए मस्कूर बाला अमूर और शरीयत आलाई के दीगर अहकाम के खिलाफ अगर मैंने किसी कस्म की तहरीरी या तकरी बात की तो शर्न व कानूनन मुजरिम साबित मस मसलन शाइर अल्लाह की तोहीन तोहन रसालत इनकार हदीस तोहैन सहाबा और साहबा रज़ी हम का मैार हक होना वगैरह वगैरह अब अगर यहाँ पर यह कह देते कि दो असाब सही बुखारी के बगैर ऐसे भी जिन्होंने ख़ुदकुशी की कि एक सहाबी ऐसे हैं जो रसूल सल्ला वसलम की ज़िंदगी में ईसाई हो गए थे जिनका नाम था उबैदल इबन जहश और एक जनाब आ, उमर के जो अहले सुन्नत के दूसरे सियासी खलीफा थे उनके ज़माने में ईसाई हो गए थे इस बारे में हमारा पूरा लेक्चर है तो क्या वो भी मयार हक हैं नंबर दस मजकूर बाला व वाहे के बाद अगर मैं मुसम्मा शेर अली सरख़ी खेल के साथ किसी कस्म के नाखुशगवार हालात पेश आए तो तहसील डोमेन व ज़िला बनू के उमय कराम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और मसमा मस्कूर कामय कराम के खिलाफ माली जानी और हता इज़्ज़त से मुतक़ कोई दावा मसमू नहीं होगा बड़ी अजीब बात है कि इस शख्स को बिल्कुल काफिर मशहूर कर दिया फिर तोबा करवाई और उसके बाद ये जानते हुए कि इनको पहले भी बम धमाके में मारने की कोशिश की गई है और दहशत गर्दी आम है तो कितने शातिर कस्म के मुल्ला हैं कि एक शख्स से ये इकरार ले रहे हैं कि तुम्हारी जान को हमने ख़तरे में डाला है लेकिन अगर तुम मार दिए जाओ या तुम्हें कोई माली नुकसान हो तो तुम हमारे ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाओगे इसी तरह से हमने तुम्हें काफिर मशहूर कर दिया तो तुम हत का कोई मुकदमा भी हमारे ख़िलाफ़ कायम नहीं कर सकते ये है वो शातराना सोच कि जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है यहाँ से पता चलता है कि इंतहाई ये शातराना कस्म का एक माह था जो ज़बरदस्ती इस ज़माने के गलीलों से पढ़वाया गया पर अब यहाँ पर जो शक नंबर दो थी अल्लाह ताली की तरफ से तमाम अकायद व अमाल जो कि नबी करीम सली वम लेकर आए मैं इन तमाम को अह सुनत वजमात मसल के द्यवंद की तशरीहत के मुताबिक दिलोजान से बग़ैर किसी शक व शुबे के तस्लिम करता हूँ तो अब यहाँ पर हम सवाल करेंगे कि अगर ये वाला माहिदा बरेलवी लिखें तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ज़मीन गर्दिश नहीं कर रही हती अगर हम किसी खलाई मशीन पे भी जाएँ और ज़मीन को घूमते हुए भी देखें तो फिर भी कहना होगा कि जी अहमद रजा ख़ान ने कहा था ज़मीन नहीं घूमती लिहाजा इन साहब ने कि जिनकी इलमी हैसियत का अंदाज़ा इनकी इसी किताब से हो जाता है फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन तसनीफ़ लतीफ़ आला हज़रत मुजद अहमद रजा अरमा सफ़ा नंबर 183 पे आपके सामने है दलील नंबर 105 यानी पाँच बताना चाह रहे हैं कि इसमें 105 सौ पाँच दलीलें जो इनतहाई ही नाकारा कस्म की हैं और सफ़ा नंबर 85 पर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने इब्ताल हरकत ज़मीन पर 105 सौ पाँच दलाइल काहरा क़ायम किए हैं अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि ये काम जो इनके साथ हुआ यानि डॉक्टर शेर अली के साथ ऐन यही काम जॉन थॉमस स्कूप के साथ हुआ एक ट्रायल और ये हुआ था टेंथ जुलाई से लेकर 21 जुलाई 1925 तक और इन पर भी यही इल्ज़ाम था कि ये थ्योरी ऑफ डार्विन को क्यों पढ़ा रहे हैं और इस ट्रायल को मंकी ट्रायल भी कहा जाता है यहाँ पर उस जमाने में हती एक लीग बनी हुई थी टी टी मार्टेन हेडकोटर्स एंटी एवोल्यूशन लीग और उस जमाने में इनका जब ट्रायल शुरू हुआ तो पहले बंद कमरे में शुरू हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा रश था और फिर ये बाहर हुआ और उस ज़माने में बाकायदा अखबारों में भी आया कि इसको फाउंड गिल्टी अलबत् ये बताते चलें कि जब हमने अमेरिका कहा तो उससे मुराद ये नहीं है कि पूरे अमेरिका में केस चला फ़कत टेनेसी में चला और पूरे अमेरिका में इसकी काफ़ी मजम्मत हुई थी फिर इनको गिल्टी करार दिया गया और सौ डॉलर इन पर जुर्माना लगा और इस शदत का नतीजा ये हुआ कि बड़ी तेज़ी से फिर डारिज़म जो है वहाँ पर मशहूर हुआ यही सब कुछ पाकिस्तान में होगा कुछ कैरी कैचर भी बने कि जिन पर बंदरों की तस्वीरें थीं और वो कह रहे थे कि स्पीक नॉट हेयर नॉट और सी नॉट अब यहाँ पर जो हमने मिसाल दी थी उन पोप्स की कि जिनके ज़रिए से कभी गैलिलो को मुश्किल हुई और कभी जोडानो ब्रोनो को मुश्किल हुई तो एनन ये उसी ज़माने में इंडिया में थे मौसूफ़ और इनका नाम था शेख अहमद सरहंदी के जिनको कहा जाता है मुजद अलफ़सानी यानी बारहवीं सदी के मुजद में 1564 से 1624 और इनकी किताब है मकतूबात इमाम रब्बानी जल नंबर दो और सफ़ा नंबर है 577 और यहाँ पर ये फरमाते हैं ये लोग यानी पढ़े लिखे लोगों और बाज स्कॉलर्स और फ़लसफी को कह रहे हैं ये लोग बहुत ही बेखबर और बेवकूफ़ हैं और इन में ज़्यादा कमीना और बेवक़ूफ़ और अहमक वो शख़्स है जो इनको दाना और अक्लमंद जानता है यानी बास इन साइंसदानों को या फ़लसफ़ियों को इनके मुतक़ और मनतज़म यानि मरतबल में से एक इल्म हिंदसा, यानि जोमेट्री है जो महज़ यानी और बेहूदा और लाताइल है यानी बिल्कुल एक बेकार बकवास और बग़ैर किसी मशरफ़ का और खाम खाई की लंबी बातें जिसमें हैं ये एक इल्म है यानी कौन सा ज्योमेट्री अब ये कहते हैं जो हमने नीले से भी हाई किया है भला मुसलत के तीनों जावियों का दोनों जाविय कायमा के साथ बराबर होना किस काम आएगा और शक्ल अरूसी और मामूनी जो इनके नज़दीक एक बड़ी मुश्किल और जानकाह है किस गर्स के लिए है अब आप अंदाज़ा लगाएँ के ये साहब मुमकिन है किसी को बुरा लगे कि अगर ये कोई मस्जिद ही बनती हुई देख लेते या मंदिर बनता हुआ देख लेते या कोई महल बनता हुआ देख लेते थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेते तो शायद इनको ये प्रॉब्लम ना होता एक जानब हैं शेख सरहंदी के जो मुसलसात को यानि जोमेट्री और टेक्नोमेट्री को बकवासियात कह रहे हैं और कह रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है और दूसरी जानब है ख्वाजा नसरुद्दीन तोसी के जो इस मौजू पर बाकायदा किताबें लिख रहे हैं और उनकी किताब के ज़रिए से साइंस की दुनिया में तरक्की हो रही है ये जो एक नज़रिया है कि जो इस देवबंदी और हदीस खसूसा फैला रहे हैं यूनिवर्सिटियों में कि साइंस से इलाहा फैल रहा है तो ये बिल्कुल ग़लत नज़रिया है अगर ऐसा होता तो सारे साइंटिस्ट मुलहद होते हम ये देखते हैं कि इस वत शी के अक़ायद की सबसे अहम किताब की जिसका नाम है तजरीदलत के जिस पर बहुत सारी शुरुआत लिखी गई हैं जो अहम तरीन शुरुआए वो तकरीबा दो सौ इकतीस के करीब हैं और ये अकायद की किताब एक अपने ज़माने के शी आल दीन ने के जो साइंटिस्ट भी थे और साइंटिस्ट कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि आज की एस्ट्रोनॉमी और इस तरह टेक्नोमेट्री और बहुत सारे मौजुआत में उनका दखल है और इनका नाम था हज़रत ख्वाजा नसिरुद्दीन तूसी रहमत और इनके कारनामों में से एक अहम तरीन कारनामा था मुरागा में ऑब्ज़रवेट्री बनाई जो आज भी मौजूद है और साइंसी दुनिया में इन्होंने तरक्की बख्शी कि जिसको आज भी दुनिया मानती है लिहाजा बदलेमूस के जो नजरिए थे एस्ट्रोनॉमी में कि बदलेमूस को आम तौर पर लेटिन वगैरह में कहा जाता है जलूमी उनके नज़रियात को बिल्कुल बदल के रख दिया था ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने अपने ज़माने में और ख्वाजा नसूरुद्दीन तो नज़रियात से असर लिया कोपरनिकस ने और कोपरनिकस से तरक्की हुई गैलीलो तक और गैलीलों से आगे तरक्की हुई किपलर तक और उसके बाद बात पहुंची न्यूटन तक और न्यूटन के कारनामों में से कारनामा यह है कि फ़िज़िक्स को और एस्ट्रोनॉमी को उन्होंने साथ मिला दिया और बाद में तरक्की बख्शी इस फिज़िक्स को खूस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और फिर खूस फ़िज़िक्स के एक मौजू क्वांटम फिज़िक्स में तरक्की हुई अब्दुलसलाम साहब के ज़रिए से और हमने तरक्की ये की कि उनकी तस्वीर पर कालक मल दी और आज हमारी कौम का आलम यह है कि जो वाक़ा हुआ लाहौर इछरा में कि उसकी कमीज परमा बैठ कर ये रिसर्च कर रहे हैं कि उस हलवे में कोई आयत है या नहीं है ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का एक अहम तरीन काम था तूसी कबल और इसको इस्तेमाल किया गया फिर जदीद एस्ट्रोनॉमी में और तूसी कबल से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए कोपर और इनके बारे में बहुत सारा रिसर्च वर्क है से एक आपके सामने हम पेश कर रहे हैं द मिसिंग लिंक बिटवीन नसीरुद्दीन एंड द निकोलस कोपर नेकस। तो कोपर नेकस ने तूसी कपल को बिल्कुल मेनो नकल किया आम आमतौर पर जोमेट्री में ए बी सी डी लिखा जाता है लेकिन क्योंकि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने अलिफ बे जीम दाल लिखा था यानी अबजद हवस के तरीके से तो उन्होंने अल्फ़, बे ते से नहीं लिखा था बल्कि अलिफ बे जी दाल तो कोपर निकस ने भी लिखा ए बी और जी और उसके बाद डी और उसके बाद हवस के हे की जगह एच तो ये दोनों की किताबों के आपके सामने अक्स हैं ख्वाजा तूसी के भी और कोपर निकस के भी और इस बारे में काफ़ी रिसर्च हो रही है और हुई भी है और लोगों ने इसको माना कि कोपर निका ने जो तरक्की हासिल की है वो ख्वाजा के ज़रिए से हासिल की है और ये मुख्तलफ़ पेजेस आपके सामने हैं तूसी कपल के और ये जो हमने अर्ज़ किया कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने टेक्नोमेट्री पर एक किताब लिखी बाकायदा और उसके ज़रिए से दुनिया में बाकायदा तरक्की हुई हमने उस किताब को नहीं लिया क्योंकि ख्वाजा के मुखालफत में उमा अहल सुन्नत हमेशा लगे रहे लेकिन यूरोप अमेरिका वालों ने लिया उस किताब को हत् उन्नीसवीं सदी में यानी 1891 में उस किताब का तर्जुमा फ्रेंच में होकर उसके बाद लैटिन में और इंग्लिश में मुख्तलि जगह पहुंच चुका था और इस किताब का नाम था कशफुल्क़ैनाँ अन इसरार शक्ल़ा यानी सर्कुलर सेक्टर और इस्फर्कल सेक्टर को डिवाइड किया था ख्वाजा तोसी ने मुख्तलिफ़रीक़ों से ये किताब का अक्स आपके सामने है और इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ़ शक्लों और जावियों को डिस्कस कर रहे हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी और इसका तर्जुमा फ्रेंच में एटीन नाइन्टी वन में आपके सामने है और यूरोप वालों ने अमेरिका वालों ने इनको माना और एहतराम में चांद के गढ़ों में से एक गढ़े का नाम और आतफ शाह का नाम जो है वो नसरुद्दीन रखा अब यह जो एक शोर मचाया जाता है कि यूरोप वालों ने हमसे इलम ले लिया बहुत अच्छा किया ले लिया हम तो कहते हैं कि जो हमारी किताबें चली गई ऑक्सफोर्ड वग़ैरह में बहुत अच्छा काम हुआ वरना हमारे यहाँ तो लोग बेच के खा जाते हैं जला देते या दीमक खा जाती तो ये जो कहा जाता है यूरोप वालों ने हमारे इल्म ले लिए और वो आगे बढ़ गए तो सवाल ये पैदा होता है कि आप क्यों नहीं आगे बढ़े आपने अपने लोगों को क्यों छोड़ दिया आपके जवाल का तो आलम यह है कि इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटियों में साइंस की मुखालफत हो रही है आपके जवाल का आलम यह है कि खैबर पख्तन खा में इतने स्टूडेंट हैं कि जिनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ये कह सकें कि बाबा आज चांद देखना मुमकिन नहीं है लिहाजा हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात ये नहीं हो सकता एक मस्जिद का मौलवी कह दे कि चांद मैंने देख लिया और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो कहें कि नहीं आज चांद देखना मुमकिन नहीं है लेकिन क्योंकि मौलवी ने कह दिया है लिहाजा मान रहे हैं तो जब हम इस हद तक गिर जाएं कि साइंस की सादी सी चीज़ को जो है हम साबित ना कर सकें और अपने ईमान का मसला बनाने उसकी हिमायत या मुखालफ़त को तो फिर वही होता है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है अब ये याद रहे कि साइंस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है अभी जहाँ पर है इससे आगे जाने के लिए हमें आज की साइंस को सीखना होगा जिसकी हमारे यहाँ मुखालफत की जा रही है मिसाल के तौर पे 2015 के साल को यूरोप अमेरिका में पूरी दुनिया ने खूस यूनेस्को ने ऐलान किया ईयर ऑफ लाइट क्यों जनाब इब्नुल हैसम की किताब अल अलमनाजिर के एहतराम में क्योंकि इसको एक हज़ार साल हो गए थे तो सवाल क्या पैदा होता है ये अल अलमनाजिर किताब हमारे माशरे में क्यों नहीं है अलबत् ख्वाजा तूसी ने जो काम किया रहमत ला ने या जो इन्होंने काम किया हमें इस पर फ़्र होना चाहिए लेकिन याद रखना चाहिए कि ये इल्मी और साइंसी मीरास सारी दुनिया की है हमने कुछ उनसे लिया है कुछ उन्होंने हमसे लिया है और हमें आज उनसे ले आगे बढ़ना है और अच्छा हुआ कि वो आगे बढ़े ये जो हमने तो दिलाई कि पोप के हुक्म से जला दिया गया जुडानो ब्रोनों को और ज़बरदस्ती तोबा कराई गई गैलीलो से तो उस ज़माने में हमारे यहाँ भी ये यह हालात थे मिसाल के तौर पर सेवनटीन नाइनटी नाइन में इंतकाल हुआ है या उसके एक साल बाद मौलाना तफजल हुसैन कश्मीरी का जो शिया शी आलम दिन थे और इनके बारे में रूज़ एक में शेख मोहम्मद इकराम जो हैं वो लिखते हैं वो लूम रियाजी के बड़े माहिर थे अरबी फ़ारसी अंग्रेज़ी लातनी और यूनानी ख़ूब जानते थे हुक्मय मग़रब की कई किताबें उन्होंने अरबी में तर्जुमा की और जबर व मुकाबल मग़रबी इल्म हैत हिंसा और तबियात की कई मुस्तकिल किताबें खुद लिखीं, यानी फिज़िक्स में और टिक्नोमेट्री में इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी में एल्जबरा में उन्होंने कई किताबें लिखीं और बास किताबों का तर्जुमा किया जिनमें से एक जो है वो न्यूटन की किताब का उन्होंने तर्जमा किया था अब अगर पावर होती उस ज़माने में मौलवी मुल्लाओं को तो वो इनको भी कत्ल कर देते यानी जुड़नों बुलों की तरह से किसको तफज़ुल हुसैन कश्मीरी साहब को मिसाल के तौर पर इनके ज़माने में शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी उनके मलफुज़ा में जिक्र आता है तफज़ुल हुसैन ख़ान का और उसके लिखते हैं तफज़ुल हुसैन ख़ान के मुलहद कामिल बूथ यानी ये शख्स के जिसकी इलमी हैसियत बिल्कुल सिफ़र है साइंसी अतबार से अब्दुल अजीज़ महदेस से दहलवी की वो मुलहद कामिल कह रहे हैं तफज़ुल हुसैन कश्मीरी को अब आप तस्वुर करें कि अगर इस शख्स के पास पावर होती तो ये क्या करता तफजुल हुसैन कश्मीरी के साथ बिल्कुल वही सब कुछ होता कि जो या जुरानों ब्रोनों के साथ हुआ जला दिया गया या गैलीलो के साथ हुआ और इसी दहलवी के चाहने वाले मुलाओं ने अब तोबा कराई है किससे प्रोफेसर शेरली से और फिर उसके बाद जो असल प्रॉब्लम था इस, इनको महद से दहलवी को ये प्रॉब्लम था चूँ मंजिल मीकर राफ़ज़ी में शूद यानी जहाँ भी ये वो रुखते थे वो लोगों को राफ़ज़ी बना देते थे अब यहाँ पर हम तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करेंगे कि इल्म हासिल करें और सबसे बढ़कर इस चीज़ की जान तोज्ह रखें कि यह मौलवी मुला तो इस वक्त आपके बच्चों को पोलियो का शिकार कर देंगे इनकी जहालत का शोर नज़र आया है कोरोना के ज़माने में इनकी जहालत का जलवा नज़र आया है जब इन्होंने पोलियो की मुखालफत की है और फिर इनकी जहालत क्या है कि जब बर्थ ऑफ मून आपके हॉराइज़न में पॉसिबल ना हो तो इनको नज़र आ जाता है खूसन पेशावर के मौलवियों को और पेशावर के जो मुसलमान हैं वो बेवकूफ बन जाते हैं वो रोज़ा खोल लेते हैं आज एक तालब इन लिए इन जाह मौलवियों के कहने पर रोज़ा खोलना या रोज़ा न रखना उस दिन को ईद समझना जबकि वो तहकीक कर सकते हों कि उनके हॉराइज़न में चांद नज़र नहीं आ सकता और मुल्ला कह रहा है कि मैंने देखा है तो ये जितनी मजम्मत उस मुल्ला की करनी चाहिए उससे ज़्यादा मजम्मत पढ़े लिखे लोगों की करनी चाहिए कि तुम ईद क्यों मना रहे हो जबकि तुम्हें यकीन है कि बर्थ ऑफ़ मून या विजिबिलिटी ऑफ मून पॉसिबल ही नहीं था कल रात को कि जो आज ईद हो अब अगर इल्म हासिल करना है तो बिल्कुल दीन और मज़हब को बीच से हटा दें ना देखें कि ये थ्योरी ईसाई ने दिए यहूदी ने दिए हिंदू ने दिए बुद्धिस ने दिए कन्फ्यूशियस ने दिए जैन ने दिए मुसलमान ने दिए मुसलमान में शिया ने दिए कि सुन्नी ने दिए असला किसी एथियस ने दिए या एग्नोस्टिक ने दिए आप उस फील्ड के इल्म को हासिल करें और बुलंदी पर पहुँचें अगर आपको आगे जाना है लिहाजा हमने पहले भी कहा कि हम ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की हिमायत कर रहे हैं ना मुखालफत कर रहे हैं नार्म को रद्द कर रहे हैं ना उसको साबित कर रहे हैं लेकिन हम कहते हैं आ, इम्कान है कि खिलकत के ज़मानों में से एक ज़माना जो है इसमें से गुजरा हो लेकिन अगर किसी को रद्द करना है तो वो इमी सतह से रद्द करे इस तरह से डी सी ऑफिस में बुला कर तोबा करा कर या जो अफराद इस वक्त इस मौजू को डिस्कस करके लोगों को डरा रहे हैं वो कैफियत ना हो लिहाजा अगर आपको इल्म हासिल करना है तो न्यूटल से इम लें गोकि वो ईसाई थे आइंस्टाइन सेम लें गो के वो यहूदी थे सलाम साहब से इम लें गो के वो कायदियानी थे अलबत्त जहन में रहें सलाम साहब का काफ़ी रुझान जो है वो मजहब अहलबैत की जानब था और उनके साथ साथ हमेशा नाद अली भी रहती थी कि जो कायदियानों में कतन काबिल कबूल नहीं है मुमकिन है गुफ्तु सुन के कैदियानों में काफ़ी खलबली मचे और वरान भी गए थे तकी जाफ़री साहब से भी उनकी इलमी नशस्तें रही थी इलमी तरक्की में कभी भी दीन को बीच में ना आने दें सी वी रामन साहब जिन्हें नाइनटीन थर्टी में फ़िज़िक्स में नोबल प्राइज़ मिला हरगोबिंद साहब को नोबल प्राइज़ मिला नाइनटीन सिक्सटी एट में मेडिसन में और चंद्रशेखर साहब को फिज़िक्स में नाइनटीन एटी थ्री में मिला और केमिस्ट्री में टू थाउजेंड नाइन में वकी रामा साहब को मिला दो हज़ार चौदह में सूजी नाकामोरा को फ़िज़िक्स में लाइट के मौजू पर नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि इन्होंने एल ई डी ईजाद की दो हज़ार चौदह ही में मैथमेटिक्स में ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम रजा ख़ानी को फील्ड्स मेडल मिला और ये पहली खातून हैं कि जिनको फील्ड्स मेडल मिला दो हज़ार सत्रह में इनका इंतक़ाल हो गया दुआ कि खुदा व तबारक इनके के दर्जात को बुलंद फरमाएं अब इस जानब हम दोबारा तोज्जो दिलाएं कि सैंटिस के, के मजहब या अमल से हमारा ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए जो उनकी हैं साइंस में या किसी भी शोबे में उसको हमें आइडियलाइज़ करना चाहिए और उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए मिसाल के तौर पर मरीगम रज़ा ख़ानी साहबा पहले बाहिजाब थीं बाद में उन्होंने हिजाब तर्क कर दिया था ये बात कतन दीनी एतबार से मुनासब नहीं है लेकिन इसके माना ये नहीं है कि इनके तर्क हिजाब की वजह से जो उनकी खदमांत मैथमेटिक्स में हैं उसका भी इनकार कर दिया जाए बल्कि हमारा काम यह है कि हम वो जो मैथमेटिक्स में उनकी खिदमत हैं उसको अपना आइडियल समझते हुए बुलंद मकाम पर फायज़ हों और इसी तरह से हम दीगर मौजूद में भी तरक्की करें और यहीं पर अपनी गुफ्तु को हम ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तानी कौम से हमारी गुजारिश है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अब्दुलसलम साहब का एहतराम करें आप मौलवी मुलाओं से कहें कि जो उनके अक़ाद थे वो तुम सही हों या गलत हों वो उनका ताल्लुक इस वक्त यूनिवर्सिटी से नहीं है और इल्म में आगे बढ़ें तरक्की करें इसी तरीक़े से हम अपनी कौम से गुजारिश करते हैं तमाम मुसलमानों से ख्वाजा नसिरुद्दीन तोसी अबनसम के काम को देखें और ये देखें कि गर्ब वालों ने किस तरह से हुसैन कपर नकस ने उनसे काम लिया और आगे बढ़ा दुआ के खुदाबंद तबारक वाली बक्के महमद माल महमद पाकिस्तानियों को तरक्रें इस शिदत पसंदी से दूर रखे और हमारी दुआएँ हैं प्रोफेसर शेर अली साहब के साथ और उनसे हमारी गुजारिश है कि अपने इलमी काम को आप जारी रखें पाकिस्तान में अगर मुश्किल हों तो मुल्क से बाहर जाए लेकिन दूर से ही अपने शागिरदों को तरक्रमाएँ उनकी तरबियत फरमाएँ और हारें नहीं ये मुलाब जो है अपनी ख़ानगांवों में इंतहा जलील रस्वा होकर जाएंगे क्योंकि ना ये दीनी अदबार से इल्म रखते हैं और ना ये दुनियावी अदबार से इल्म रखते हैं वल महमदम ताहरीन